हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही कमाल का ट्रिक है एक्सेल में। ट्रिक क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जब भी यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये पूरा हिस्सा नेम वाला है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नेम आएंगे, क्यों ना इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम दे दिया जाए। क्या नाम दिया जाए, यहाँ से चलेंगे फॉर्मूला टैब पर और इस जो ये इतना हिस्सा है इसे एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है नेम, यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इसे एक नाम दे दिया नेम, ठीक है। अब जैसे ही हम बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं, जैसे नेम पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा नेम रेंज सेलेक्ट हो जाता है अपने आप, देख सकते हैं। इसी तरीके से इस पूरे हिस्से को, इतने को हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे सब। यहीं पे क्लिक करेंगे और इसे नाम दे देंगे क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ है, अब यहां से जाएंगे ना तो वो सारे डिस्प्ले होंगे। तो सब्जेक्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट 1 वाला हाईलाइट, ठीक है। सब्जेक्ट 2 को सेलेक्ट किया तो सब्जेक्ट 2 वाला, सब्जेक्ट 3 को सेलेक्ट किया सब्जेक्ट 3 वाला। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने में काफी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।